सर्वप्रथम तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग छात्र के आंदोलन को कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर के एक आवाज़ बनते हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के अंदर जो JSSC CGL महाघोटाला से संबंधित जो लगातार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है, और 31 जनवरी 2024 को JSSC कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुआ और उसमें जो FIR दर्ज किया गया और आगे की रणनीति को लेकर के, मैं आप तमाम मीडिया बंधु के समक्ष बताना चाहेंगे कि JSSC CGL आंदोलन का पेपर लीक महाघोटाला को देखते हैं और उसका आंदोलन को देखते हैं, और साथ ही साथ आयोग के तरफ से जो निर्दोष पीड़ित छात्र जो 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं, उन 4000 छात्रों पर जो FIR दर्ज किया गया, ये तमाम मसलों को देखते हैं, तो हम प्रैक्टिकली हम बिरसा का उलगुलान को, भगत सिंह का क्रांति का दौर को और निर्मल दादा का आंदोलन का दौर को बहुत आत्मा से करीब से देख पाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि 24 साल का झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा CGL का परीक्षा, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 2 दिन परीक्षा का आयोजन 2400 जिलों सहित कई अनुमंडल में लगभग 1500 परीक्षा केंद्र का आयोजन किया गया था, और 10 वर्षों से छात्र इंतजार किए थे और सपना था कि हमारा सबका एक ड्रीम जॉब होगा और दिन रात एक करके पढ़ाई किए थे। लेकिन दुर्भाग्य कि 28 जनवरी से एक दिन पूर्व पेपर लीक करके सारे झारखंड आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर के बेटे ईमानदार छात्र का सपना चकनाचूर होता है, और झारखंड राज्य के अंदर जो प्रचलन है बालू माफिया का, गिट्टी माफिया का, पत्थर माफिया का, जमीन माफिया का, जो है कि कोयला माफिया का, उसी प्रकार एक नए माफिया का दौर चल रहा है, शिक्षा माफिया का, पेपर लीक गिरोह का, और वो लोग इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं। और यह जो पेपर लीक शिक्षा माफिया है, यह एक नए तरह का माफिया है, और बापी माफिया जो है, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म होगा, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया खत्म होगा, लेकिन शिक्षा माफिया जो झारखंड राज्य के अंदर पनप रहे हैं, ये एक न्यू बीज बो रहे हैं जो एक सिस्टम में घुसकर इस राज्य को पूरी तरह खोखला कर देंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में एक नए तरह का भ्रष्टाचार का आलम होगा। और जैसे ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के पास पेपर लीक का सबूत आता है, तो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं, और दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा हमारा जो मांग है, परीक्षा रद्द और पूरे CGL घोटाला का CBI जांच और चेयरमैन का इस्तीफा के साथ साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल्द से जल्द नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा संचालन करने का, और हमारा मांग नहीं पूरा होने पर 31 जनवरी को हम लोग JSSC कार्यालय प्रशासनिक अनुमति के साथ संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरे 2400 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे थे। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक आंदोलन चला, लेकिन 3 बजे उस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो एक आयोग के समक्ष जो उस दिन अप्रिय घटना घटा, जो कुछ बाहरी उपद्रवी हमारे आंदोलन में छात्र के बीच में शामिल हुए, और हम आज दावे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं, क्योंकि यह मेरा आह्वान पर पहला आंदोलन नहीं हुआ था, कई बार कई जगह पे लगातार आंदोलन JPSC JSSC मुख्यमंत्री विधानसभा से लेकर बड़े से बड़े आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन पहला एक ऐसा आंदोलन 31 जनवरी का जिसमें कुछ अप्रिय घटना घटा, और हम दावे के साथ कहते हैं कि वह पूर्व नियोजित, पूर्व प्लान सुनियोजित तरीके से पेपर लीक गिरोह के तरफ से आयोग के चेयरमैन के तरफ से भाड़े से आए हुए एक बाहरी तत्व था, जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, उस पर जो है कि हुड़दंग किया गया, और जो उसके बाद जो है कि
प्रशासन के तरफ से एक तरफा एफआईआर दर्ज करते हुए निर्दोष निहत्थे छात्र पर बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर धारा और आरोप लगाया गया। और उसके बाद गिरोह का मन इतना बढ़ गया है कि हमको चलते हुए राह पर धमकी भी दिया गया और हम लोग जो है कि बचते बचाते आज कैमरा के बीच आकर के हम लोग जो है कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम जिम्मेवार लेते हैं, मेरे आह्वान पर उस दिन भीड़ जुटा था कि 2400 जिले से आए थे, उसका मैं देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेवारी लेता हूँ। लेकिन उस दिन जो तोड़फोड़ हुआ, उस दिन जो अप्रिय घटना घटा और कार्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया और आयोग को जो क्षति पहुंचाया गया गाड़ी को, उसका हम जिम्मेवार नहीं लेते हैं। उसका गहन एसआईटी कमेटी जो गठित किया है उसका जांच किया जाए। लेकिन हमारे ऊपर आज जो आरोप लगा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और फर्जी मुकदमा जो छात्र 4000 छात्र को 15 नामजद समेत किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवार पूर्वक कहना चाहते हैं कि बेगुनाह छात्र को परेशान नहीं किया जाए। मेरे आह्वान पर आया था तो हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जो धारा लगाया गया, इसमें हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, 13 धारा लगाया गया है, इस जेएसएससी सीजीएल मामले पर नामकुम थाना में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है, एक कांड संख्या 45/2024 और एक कांड संख्या 46/2024। पेपर लीक के मसले पर मात्र 4 धारा लगाया गया है, वहीं छात्र पर कार्रवाई करते हुए गंभीर से गंभीर 13 धारा लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 326, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इस तरीके से गंभीर आरोप जो लगाया है, यह गंभीर से गंभीर आरोप छात्र पर लगने के बजाय आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए और उस एजेंसी पर लगना चाहिए। और साथ ही साथ एक और धारा लगाया गया है जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। अरे जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया है कोई, तो वो आयोग किया है कि छात्र 10 वर्षों से 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने में लगभग लाखों लाख रुपया खर्च किए हैं, और साथ ही साथ जो है कि फॉर्म भरे, जेरोक्स किए, फोटो अपलोड किए, और एक बार नहीं 4-4 बार फॉर्म भरे, और झारखंड के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी छात्र लोग एक सपना के साथ जो है कि उन्होंने तैयारी किया था, उसका सपना को चकनाचूर किया। तो अगर इसका आकलन करेंगे तो एक सरकार का बजट से ज़्यादा खर्च इन 10 सालों से छात्र पर इस सीजीएल की तैयारी करने में खर्च हुआ है। और आयोग इस तमाम गिरोह को बचाने के लिए प्री प्लान के तहत, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत छात्र को बदनाम करने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है कि बाहरी गुंडा भाड़े में भेजा गया, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आज हम ऑन कैमरा कहते हैं कि सभी छात्र को माफ किया जाए और जितना धारा है मेरे ऊपर लिया जाए, और इस आयोग का कचड़ा को साफ करने के लिए हमें हटवार भी जाना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, हम जाएंगे। और हम आज ऑन कैमरा कहते हैं तमाम यहाँ के सरकार को, प्रशासन को, कि अगर संविधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर करना गुनाह है, तो हम तिथि और समय बताते हैं कि आगामी 10 फरवरी दिन शनिवार परसों को हम यही बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक वो आ करके हमें हथकड़ी पहनाना है तो हथकड़ी पहना दे, हटवार भेजना है तो हटवार भेज दे। लेकिन यहाँ के झारखंड के गरीब किसान आदिवासी मूलवासी के बेटा बेटी 12 साल 15 साल पढ़ाई करे और अवैध कमाई करने वाले बाहरी के बाबू लोग एक दिन पहले 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके वो पूरा घोटाला करके वो एक दिन एक घंटा पढ़ के नौकरी ले ले, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएसएससी कार्यालय को पूरी तरह कचरा को क्लीन करेंगे, ऐसा क्लीन करेंगे कि जेपीएससी का भी कचरा वहीं सफाई से साफ होने वाला है। और हम आप मीडिया को बता देना चाहते हैं कि किसी भी हाल में पेपर लीक का गिरोह का जो आंकड़ा है 5
500 करोड़ यानी 5 अरब लगभग का नुकसान जो किया गया है, इसको जो है कि कोई नहीं बचा सकता है, इसको एक न एक दिन आगे आना ही होगा। और हम गांधी के समक्ष इसलिए आ रहे हैं और सरकार को प्रेस के समक्ष सूचना दे रहे हैं कि हमें आके उठाना है तो उठाए, हम चाहे तो हम बिरसा के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो भगत सिंह के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो निर्मल दादा के भी प्रतिमा के समक्ष जा सकते हैं, लेकिन तमाम विचारधारा जो है उलगुलान का है और जो है कि एक जोर शोर से आंदोलन का है, लेकिन हम गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और गांधी का विचार कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिख रहा हूं आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, मैं रहूं या ना रहूं आने वाले दिनों पे झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, यहां के नीति नियमावली के लिए और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भ्रष्ट संस्थानों को क्लीन करने के लिए मरने वालों का जनसैलाब आएगा। और जो भी घटना घटा उसका हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ प्रेस मीडिया बंधु के प्रति भी जो दुर्व्यवहार किया गया हम सबको क्षमा मांगते हैं और सार्वजनिक तौर पर, और साथ ही साथ जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको चिन्हित करते हुए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जिस दिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा हम फिर एक आयोग का जो चेयरमैन का एक नया काला काम करने वाला चेहरा सामने आएगा, ये हम दावा करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व हम कई आंदोलन किए हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो 31 तारीख को हुआ है। और ये हम आज कैमरा के सामने कह देना चाहते हैं, चूंकि आज हम बाहर निकले हैं, इस बीच में हमको पुलिस प्रशासन या गिरोह के माध्यम से मुझे अगर जान से भी मार दिया जाता है तो हम सभी से कहेंगे हम हटवार जेल में काहे ना आजीवन के लिए हमको सड़ा दिया जाए, लेकिन मेरे लिए कोई भी झारखंड के छात्र सड़क पर ना उतरे, मेरे बचाव के लिए कोई भी झारखंड के छात्र जो है कि सड़क पर उतर करके कोई आगजनी कोई उपद्रवी कोई उलगुलान न करे। अगर उलगुलान करना है आंदोलन करना है तो इस राज्य के हक अधिकार नीति नियमावली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और यह लड़ाई नहीं रुकना चाहिए, यही हम संदेश देते हुए आज से हम खुला घूमेंगे, जहाँ चाहे वहाँ आ सकता है, नहीं तो हम समय देते हैं आगामी 10 फरवरी को हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी, आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।